नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको 1 जनवरी से 31 मार्च के मध्य किए जाने वाले 25 विशेष कोर्स की प्रश्नोत्तरी का हल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज कोर्स संख्या 14 जिसका नाम है स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं कि प्रश्नोत्तरी के हल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी भागों के हल मिलेंगे। वो सभी भागों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है जहाँ पर प्रश्नों को पूछने के बाद उनके उत्तरों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो समय न बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं भाग एक की ओर। दोस्तों, जो कोर्स संख्या 14 है जिसका नाम है स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं, इसके भाग एक का नाम है स्थानीय मान सीखना और सिखाना, क्या और कैसे। आइए देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न कहां पर मिलेगा। एक बार फिर से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इनमें हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिन प्रश्नों के उत्तर बाद में उन्होंने स्पष्ट किए हैं। कई ऐसे प्रश्न आपको भागों में देखने के लिए मिलेंगे जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन बाद में उनका उत्तर स्पष्ट नहीं किया जाएगा। हमने अपने वीडियो में उन भागों को छोड़ दिया है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पांचवें खंड में यह प्रश्न मिलेगा। पहले भाग में टोटल 21 खंड है। क्वेश्चन है कि 100 तक की संख्याओं की समझ, और इसमें यह पूछा गया है कि दिलीप के अनुसार, या नाम नहीं पढ़ने में आ रहा है, आप देख लेंगे कि क्या नाम लिखा हुआ है, के अनुसार किसी भी संख्या की संख्या समझ किसे कहेंगे। अगर संख्या 25 हो तो उसकी संख्या समझ की समझ में क्या क्या शामिल होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अब विकल्प है 25 संख्या 20 से ज्यादा लेकिन 30 से कम है। दूसरा विकल्प है 25 में 5 जमा करने से हमें 30 मिल जाता है। तीसरा विकल्प है 25 में कितनी चीजें आती हैं। चौथा विकल्प है 25 से आगे 10 की कूदी लगाने से हमें 35 पर जाएंगे, हम 35 पर जाएंगे। फिर अगला है 10 कदम पीछे कूदी लगाने से हम 15 पर जाएंगे। और अंतिम विकल्प है कि 25 संख्या 10 और 15 को जोड़कर बनाई जा सकती है। आपको बताना है कि अगर आपको संख्या 25 के बारे में जानकारी है तो इनमें से कौन कौन से सही विकल्प होंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है। दोस्तों, प्रश्न से संबंधित 6 के 6 विकल्प पूरी तरीके से सही हैं। आप 6 विकल्पों का चयन कर लीजिए, सबमिट बटन दाबिए, आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताए गए उत्तर पूरी तरीके से सही हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि 6 विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित किया गया है। इस तरीके से आपने पहला प्रश्न हल कर लिया है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमें 7 खंड में मिल रहा है। क्वेश्चन है कि 100 तक की संख्याओं की समझ कैसे बनाएं। सोचकर बताइए कि गिनने का सबसे शुरुआती और आम तरीका क्या होता है। एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दाबें। और नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं, चीजों की एक एक करके गिनती करना। दूसरा विकल्प है चीजों की समूहों में गिनती करना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए चीजों की एक एक करके गिनती करना, इसे सही विकल्प के रूप में आप चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबें, आप पाएंगे कि आपका द्वारा बताए गए उत्तर पूरी तरीके से सही है। जब आप उत्तर का चयन कर लेंगे, इसके बाद आपके सामने जो स्क्रीन पर विंडो नजर आ रही है, इसी तरीके की विंडो में आपको सही उत्तर दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपकी स्क्रीन पर एक गणित माला दिखाई जा रही है, आपके अनुसार लटके हुए कार्ड पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मोती की कुछ लाइन दिख रही है जिसमें कुछ सफ़ेद मोती और कुछ लाल मोती है। तो हम एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं यहाँ पर कि 60, 72, 62, 58। तो हम थोड़ा सा अपना एक आइडिया लगाते हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि छोटी छोटी माल जो मोतियाँ हैं इनको गिनते हैं। तो 10 मोती यहाँ पर दी गई हैं, तो 10 के हिसाब से जोड़ेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 62। तो हमारे हिसाब से उत्तर इसका 62 होना चाहिए। आइए देखते हैं कि वीडियो बनाने वाले एक्सपर्ट की इस बारे में क्या राय है। तो हमारे अनुसार उत्तर 62 है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसका उत्तर 62 ही चुना होगा।
दोस्तों आशा के अनुरूप 62 चुना गया विकल्प पूरी तरीके से सही है। आप इसे सही विकल्प के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दें और अगले प्रश्न की ओर जाएं। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि भाग एक में जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उन्होंने हमें वापस बताए हैं प्रश्न पूछने के बाद, उनकी संख्या इतनी ही थी। अब हम यहां से भाग एक को समाप्त करके भाग दो पे जाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों भाग दो का नाम है स्थानीय मान सीखना और सिखाना। आइए देखते हैं कि भाग दो में कितने प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर कुल 15 खंड दिए गए हैं और पहला प्रश्न जिसका जवाब उन्होंने हमें वापस बताया है वो खंड 7 में हमें मिल रहा है। अच्छा बताइए कि उंगलियों को गिनते समय आप 10-10 में कैसे गिन रहे थे। पहला विकल्प है हर 10 के समूह की सभी उंगलियों को गिन रहे थे। दूसरा विकल्प है सीधा दो हाथों को 10 उंगलियों की तरह गिन रहे थे। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या हो सकता है। दोस्तों इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है कि सीधा दो हाथों को 10 उंगलियों की तरह गिन रहे थे। इसे आप सही विकल्प के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दें। यहां पर आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस भाग में केवल यही एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर कोर्स में बताया गया है। अन्य सारे प्रश्न जो हैं उनके उत्तर देने के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए हमने उन्हें वीडियो में सम्मिलित नहीं किया है। दोस्तों भाग तीन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जिसका उत्तर उन्होंने वापस हमें स्पष्टीकरण के रूप में दिया हो, इसलिए भाग तीन को हमने शामिल नहीं किया है। अब भाग चार आपके सामने है और भाग चार का नाम है स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए कुछ खास बातें। दोस्तों यहां पर टोटल 12 खंड हैं चौथे भाग पे और पहला क्वेश्चन आपके सामने 9वें खंड में मिलेगा। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार मान कार्ड स्थानीय मान की कौन सी समझ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विकल्प है विकल्प अभी नीचे दिए गए हैं, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। अंकों को छुपी हुई मात्रा दर्शाने के लिए, संख्या में इस्तेमाल अंकों और उनकी असल मात्रा में संबंध समझने के लिए, संख्याओं का विस्तृत रूप सीखने के लिए, और नीचे तीन विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कुछ भी नहीं, ये सभी पता नहीं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। देखिए जो प्रश्न में वाक्यांश दिए गए थे उनमें से तीन वाक्यांश इस प्रश्न के सही उत्तर रहेंगे। अंकों की छुपी मात्रा दर्शाने के लिए, संख्या में इस्तेमाल अंकों और उनकी असल मात्रा में संबंध समझने के लिए, और संख्याओं का विस्तृत रूप सिखाने के लिए, ये इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों भाग चार में केवल एक ही प्रश्न था जिसका उत्तर हमें देना था। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न कहीं पर नजर आ रहा है तो आप देखेंगे कि आप उसका कोई भी उत्तर देते हैं और रिप्लाई कुछ भी नहीं मिलता और कोर्स आगे बढ़ जाता है। अब भाग पांच में पहुंच गए। भाग पांच का नाम है 100वें गिनती। आइए देखते हैं कि भाग पांच में कौन कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर क्या रहेंगे। तो भाग पांच में टोटल 11 खंड हैं। पहला प्रश्न हमें दूसरे खंड में प्राप्त होगा। क्वेश्चन है कि ऐसे में अगर बच्चे की 10 के समूह की समझ कमजोर होगी तो क्या बच्चा 100 की अच्छी समझ बना पाएगा, हाँ या नहीं। आइए देखते हैं इस प्रश्न के लिए आप किसे सही उत्तर के रूप में चयनित कर सकते हैं। यहां पर आप नहीं उत्तर को सही विकल्प के रूप में चयनित कर लीजिए, क्योंकि हम और आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि 10 के समूह की समझ यदि कमजोर होगी बच्चे के लिए तो जाहिर सी बात है कि वो 100 के कमजोर समझ का कारण बन सकती है। इसका मतलब यह है कि 100 की समझ उसे नहीं मिल पाएगी या अच्छे से उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न 7वें खंड में हमें मिल रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार अगर बच्चे संख्या नामों और संख्यांक के जुड़ाव के बीच के पैटर्न को समझ सकें तो इससे क्या मदद मिलेगी। विकल्प ए बी सी तीन विकल्प दिए गए हैं। वह संख्या नाम बोलने के साथ लिख भी पाएंगे। बी विकल्प में है संख्या नाम सुनकर संख्यांक का अंदाजा बेहतर लगा पाएंगे। सी विकल्प है आगे आने वाली संख्या के नाम खुद सोच पाएंगे। देखते हैं इस प्रश्न के लिए किस उत्तर को सही विकल्प के रूप में चयनित किया जा सकता है।
प्रश्न में विकल्प बी और विकल्प सी को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए, सबमिट बटन दाब दीजिए, आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताए गए उत्तर 100% सही है। और इस तरीके से आपने भाग पांच में जो भी दो प्रश्न आए हुए हैं जिनका कोर्स के दौरान विभाग द्वारा या कोर्स तैयार करने वाले एक्सपर्ट के द्वारा उत्तर का क्लासिफिकेशन या स्पष्टीकरण दिया गया है, वहां पर हमने उन दोनों प्रश्नों को प्रदर्शित किया है। अब हम लोग यहाँ पर आकलन की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर कोर्स की समाप्ति पर 10, 11, 12 प्रश्नों का एक आकलन प्रश्नोत्तरी होती है, जिसका प्रश्न का उत्तर हमें देना जरूरी होता है। आशा है पूरा कोर्स आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और आप आकलन प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न के अनुसार राघव पहली कक्षा में पढ़ता है, वह दो अंकों की वाली संख्याओं को दो संख्याओं के जोड़ की तरह देख पाता है, जैसा कि 35 को 17 और 18 और 21 को 10 और 11 का जोड़ देख पाना। नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा, एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है राघव का नंबर सेंस काफी मजबूत है। दूसरा है राघव को जमा घटा करने में आसानी होती है। तीसरा है राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। चौथा विकल्प है राघव संख्याओं को दूसरी संख्याओं के साथ संबंध में समझ पाता है, अर्थात राघव संख्याओं को दूसरी संख्याओं के संबंध में समझ पाता है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प तीन को सही विकल्प के रूप में आप चयनित कर लीजिए। राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबेंगे, आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। साथ ही आपको प्रश्न में इस विकल्प को क्यों चुना गया है उसका स्पष्टीकरण भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है 58 और 85 में से कौन सी संख्या बड़ी है, यह समझने के लिए क्या बच्चों को इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी है। आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस दूसरे प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही रहेगा। दोस्तों, नहीं विकल्प को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए, अर्थात 58 और 85 में से कौन सी संख्या बड़ी है यह समझने के लिए बच्चों को इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी है। दूसरा विकल्प आप चयनित कर लें, सबमिट बटन दाबें, आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि अंदाजा लगाते हुए एक गतिविधि के दौरान रोहन गणित माला पर 30, 50, 60 आदि अंकों पर कोई कार्ड ठीक से लगा पा रहा था, लेकिन 36, 58, 66 जैसी संख्याओं के लिए वह कार्ड कुछ ऐसे लगा रहा था जैसे 36 के लिए 32 पर, 58 के लिए 53 पर, 66 के लिए 64 पर आदि। यह व्यवहार हमें रोहन के बारे में क्या बताता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि रोहन की दहाई की समझ कमजोर है, रोहन की इकाई की समझ कमजोर है, रोहन की दहाई और इकाई दोनों की ही समझ कमजोर है, अंतिम जो विकल्प है वो है कि रोहन की दहाई और ज्यादा की समझ कमजोर है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या है। दोस्तों, यहां पर विकल्प तीन को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। रोहन की दहाई और ज्यादा की समझ कमजोर है। और सबमिट बटन दाब दें, आप देखेंगे कि आपका उत्तर सही है, साथ ही आपको स्पष्टीकरण भी पढ़ने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन है कि गणित माला बच्चों को स्थानीय मान समझाने में किस तरह सहायक साबित हो सकती है। आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। पहला विकल्प है गणित माला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ तरह देख पाते हैं। फिर दूसरा है गणित माला के मोती गिनने में स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है। तीसरा है गणित माला की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से अंदाजा लगा पाते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उचित हल क्या है। गणित माला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ तरह से
समझ पाते हैं। गणित मालक की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से अंदाजा लगा सकते हैं। इन दो विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए, अर्थात विकल्प एक और विकल्प तीन पूरी तरीके से सही है। सबमिट बटन दाबें, आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन पांच अब आपकी स्क्रीन पर। नंबर पांच में पूछा जा रहा है कि रेखा जी ने कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने बच्चों को यह निर्देश दिए कि वह जितनी भी तालियां बजाती हैं बच्चों को उस संख्या के समूह बनाने हैं और फिर हर बार उन समूहों में गिनकर जांच करनी है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से रेखा जी क्या करवाना चाह रही थी। एक विकल्प का चयन करिए। यह गतिविधि बच्चों की गिनने की शुरुआती समझ को मजबूत करेगी। यह गतिविधि बच्चों की इकाई और दहाई की समझ को मजबूत करेगी। इस गतिविधि से बच्चे समूहों में गिनती करना सीखेंगे। विकल्प तीन एक सही उत्तर है। इस गतिविधि से बच्चे समूहों में गिनती करना सीखेंगे। नंबर छह अमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 10-10 के समूह बनाए। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या फायदे हैं। आप एक से अधिक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पहला है कि बच्चों को दहाई की समझ मजबूत होगी। बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। बच्चे समूह में जल्दी और बिना गलती के गिनना सीख पाते हैं और बच्चों की इकाई की समझ मजबूत होती है। आइए देखते हैं प्रश्न छह का उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न छह में पहले और दूसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए, अर्थात बच्चों की दहाई की समझ मजबूत होती है, साथ ही बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सात अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर सात आपके सामने स्क्रीन पर है। सुलेखा जी ने अपनी कक्षा में एक गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में उन्होंने 10 डंडियों के 6 समूह और 4 डंडियां अपने बच्चों को दी और उनसे पूछा कि यह कितनी डंडियां हैं। उनकी कक्षा के 3 बच्चों ने डंडियों की इस तरह गिना। रेखा क्या कह रही है डंडियों के बारे में। रेखा ने डंडियों के 6 समूहों को 60 गिना और 4 डंडियों को गिनकर सुलेखा जी को बताया कि यह 64 डंडियां हैं। मनीष ने समूह में बधी डंडियों और खुली डंडियां एक एक करके गिनी और सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। राहुल ने समूहों में गिनती करना शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर 4 डंडियों को अलग गिनकर सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। इन तीनों बच्चों में से किन बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत है। आप एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं, रेखा या और मनीष की। मनीष और राहुल की, रेखा और राहुल के। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे उचित हल क्या रहेगा। विकल्प तीन अर्थात रेखा और राहुल सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए, सबमिट बटन दाब दीजिए। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को 10 के समूहों का इकाई से अदल बदल सिखाने में सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा रहेगा। आप एक ही विकल्प को चुने, 10 के ढांचे। दूसरा विकल्प है राजमा और डंडियां। तीसरा विकल्प है पत्थर और पत्तियां। आइए देखते हैं कि उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 10 के ढांचे। विकल्प एक को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए, सबमिट बटन दाब दीजिए और आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर है। राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को डाइन ब्लॉक की मदद से गिनने की गतिविधियां करवाई। इस गतिविधि में राकेश जी ने निर्देश दिए कि जब वह एक संख्या बोलेंगे तो बच्चे उस संख्या को डाइन ब्लॉक की सहायता से दिखाएंगे। कक्षा में 23 संख्या दिखाने के लिए हिमानी ने 23 क्यूब्स इस्तेमाल किए। यह हमें हिमानी के बारे में क्या बताता है। आप केवल एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है कि हिमानी को 23 संख्या की समझ नहीं है। दूसरा विकल्प है उसकी इकाई की दहाई से एक्सचेंज अर्थात अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। तीसरा विकल्प है हिमानी को डाइंस ब्लॉक इस्तेमाल करना नहीं आता है। आइए देखते हैं
प्रश्न संख्या 9 के लिए कौन सा विकल्प सही उत्तर के रूप में चयनित किया जाएगा। विकल्प 2 को सही विकल्प के रूप में चयनित कर लीजिए। उसकी इकाई की दहाई से एक्सचेंज अर्थात अदल बदल की समझ मजबूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए विकल्प 2 पूरी तरीके से परफेक्ट है। सबमिट बटन दाबें, साथ में आप पाएंगे कि स्पष्टीकरण प्रश्न का क्या है और यह भी आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर सही है या नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में गतिविधि दिए गए विवरणों में से कौन सा बच्चों से कहा कि बच्चे एक ही विकल्प का चुनाव करना है, एक गतिविधि से बच्चे और फिर वह मान स्टार्ट के बारे में बेहतर संख्या को खोल के दिखाएंगे। दूसरा है इस गतिविधि से 454 छिपे 400 अंक की मात्रा को समझ पाएंगे की तरह दिखाए। तीसरा विकल्प है इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 के लिए कौन सा उत्तर परफेक्ट रहेगा। प्रश्न 10 के लिए विकल्प 3 एक सही उत्तर है। इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। इसे आप सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दें। आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताए गए उत्तर 100% सही है। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अब आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है स्थानीय मान के तहत 100 की समझ में सक्सेसिव ग्रुपिंग या क्रमिक समूहीकरण की समझ शामिल है क्योंकि एक ही विकल्प चुन सकते हैं। 100 संख्या 50 के दो समूहों से बना है। 100 को आसानी से 10 के समूहों में गिना जा सकता है। 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल हों 100 एक काफी बड़ी संख्या है। आइए देखते हैं कि इस अंतिम प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। 100 में से 10 के समूहों के 10 समूह शामिल होते हैं। फिर से सुनेंगे, 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल होते हैं। विकल्प 3 को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। इस तरीके से आपने पूरे 11 प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इन्हें सही कर लिया होगा। अब अंत में जब हम जारी रखना बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज आएगा। इस तरीके से आपने इस कोर्स को पूरा कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। यूपी बोर्ड और बेसिक एजुकेशन विभाग के बेहतरीन वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी एक नए कोर्स की प्रश्नोत्तरी हल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।